जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग जर्नीज में। तो आज हम जा रहे हैं हरिद्वार से देहरादून की ओर। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो पसंद आए तो लाइक करिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सेकंड सीटिंग कोच है और यहाँ भीड़ ज़्यादा नहीं है, देखा जा सकता है, और सब लोग बैठ रहे हैं धीरे धीरे अपने सीटों पे। तो ये कुछ व्यू है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेन हरिद्वार से चल चुकी है। हमारी ट्रेन सुबह 11:10 पे हरिद्वार से चलती है और देहरादून 12:30 बजे करीब पहुंचा देती है दोपहर में। और ये कुछ व्यू देख सकते हैं, काफ़ी तेज़ रफ्तार हो चुकी है और ये केव की ओर बढ़ चुके हैं, यानी गुफा के अंदर। और ये बाहर निकल गए हम लोग अब गुफा से, और ये फिर हम लोग केव के अंदर आ गए हैं। काफ़ी तेज चल रही है देखा जाए ट्रेन को, तो देखा जाए हरिद्वार में काफ़ी भीड़ थी। और कैसा लगा आपको पिछला ब्लॉग कमेंट करके बताइए, और इस ट्रेन की रफ्तार के लिए एक लाइक तो बनता है। तो अगर आप लोग जनरल टिकट से जाएंगे तो 35 रुपये किराया पड़ेगा देहरादून तक का, और सेकंड सीटिंग में अगर जाएंगे तो 87 रुपया करीब लगेगा किराया। तो अगर आप लोग एसी थर्ड टायर में जाना चाहते हैं देहरादून के लिए तो 505 रुपये लगेगा हरिद्वार से देहरादून का। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेन मुड़ रही है, काफ़ी बढ़िया दृश्य है, और यहाँ ज़्यादातर जंगल्स हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार लग रहा है पेड़ पौधों के साथ, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। और ये देखें, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। और ये देखें हॉल्ट है, पर यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि हरिद्वार से देहरादून का नॉन स्टॉप रन है इसका, कहीं भी नहीं रुकेगी। ये इस ट्रेन की खासियत है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो आपको ये व्यू और ये जर्नी कैसी लग रही है सब कमेंट में लिख के बताइए, और पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। और ये देख सकते हैं हमारी ट्रेन मुड़ रही है, और कौन कौन हरिद्वार और देहरादून से देख रहा है सब कमेंट करके बताइए हमें, ताकि हम और आपसे जानकारी ले सके कि क्या क्या घूमने वाला चीज़ है यहाँ पे। हमारी ट्रेन 1.5 घंटे में हमें देहरादून पहुँचा देगी, और आप ये देख सकते हैं जंगलों के बीचों से जा रही है हमारी ट्रेन। ये देख सकते हैं व्यू, ये हॉल्ट आ गया है एक, जैसा कि आप देख सकते हैं, पर यहाँ भी हमारी ट्रेन नहीं रुकेगी। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार दृश्य हैं आपके सामने। ये देखे हॉल्ट आ गया हमारा, पर यहाँ भी ट्रेन बिल्कुल नहीं रुकेगी, और अपने तेज़ रफ्तार में है हमारी ट्रेन जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आपको उत्तराखंड घूमना है तो बेस्ट टाइम है कि आप समर में आइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको बाकी राज्यों से, क्योंकि यहाँ मौसम ज़्यादा गर्म नहीं होता है और ठंडा ही रहता है। और हमारी उत्तराखंड एक चीज़ के लिए बहुत ही फेमस है, वो है मसूरी के लिए। यहाँ से मसूरी ज़्यादा दूर नहीं है, देहरादून से मसूरी के लिए बस मिलती है, तो आप वहाँ से पकड़ के जा सकते हैं मसूरी भी, और घूम सकते हैं मसूरी, और ये व्यू देख सकते हैं। और मसूरी के लिए बस की टिकट है करीब 75 रुपये, हमने पता किया है। तो देखते रहिए, हो सकता है हम लोग आपको वहाँ का व्यू भी दिखा दें। तो अगर आपको गर्मियों में यहाँ आना है तो आपको पहले से ही होटल्स या कोई धर्मशाला या कुछ भी आप बुक करा सकते हैं पहले से ही, क्योंकि यहाँ पहले ही सब बुक हो जाते हैं, 1-2 महीने पहले ही सारे बुक हो जाते हैं होटल्स और धर्मशाले। तो आप लोग पहले से ही बुक करा के आइए। उत्तराखंड में बहुत सारी घूमने की जगह हैं, जैसे कि रोवर्स के गुच्ची पानी जो कि है हमारा देहरादून में, और ऋषिकेश जा सकते हैं लक्ष्मण झूला और राम झूला देखने, बहुत ही शानदार लगता है। और ये देख सकते हैं व्यू,
जगह का बहुत ही शानदार है। और यहाँ बहुत सारे नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और भी कई सारे हैं। और ये हॉल्ट आ गया, यहाँ भी ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि इसका नॉन स्टॉप रन है। ये देख सकते हैं बहुत ही तेज चल रही है हमारी ट्रेन। आप लोग बने रहिए वीडियो में, क्योंकि पता लगा है कि ये ट्रेन पहाड़ों के बीच से भी जाएगी जहाँ तक। और ये देख सकते हैं व्यू बहुत ही शानदार है बाहर का, तो हरियाली से भरा हुआ। और ये देख सकते हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हल्का हल्का पीछे की ओर पहाड़ दिख रहा है और बहुत ही शानदार व्यू लग रहा है। इस व्यू के लिए आप एक लाइक दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। ये देख सकते हैं एक और हॉल्ट आ गया है हमारे सामने। ये देखें, पर यहाँ भी हमारी ट्रेन नहीं रुकेगी। ये देखें अपनी तेज रफ्तार में चले जा रही है। तो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं सब कमेंट करके बताइए। और ये देख सकते हैं व्यू कैसा लग रहा है, आप लोग सब कमेंट करके बताइए। और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जर्नी आपके पास आती रहे और आपको जानकारी मिलती रहे। देखा जाए समय से पहले पहुंचा रही है हमारी ट्रेन देहरादून। ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार दृश्य हैं। और ये देखें हमारी ट्रेन समय से पहले पहुंचा दी, यानी सवा 12 बजे ही पहुंचा दी हमारी ट्रेन। बहुत ही फास्ट चल रही थी, ये देख सकते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं रफ्तार कम हुई है अब थोड़ी, और ये अब स्टेशन आने वाला है। ये देख सकते हैं स्टेशन आ गया देहरादून। और कैसा लगा आप लोग को ये चीज ब्लॉग, सब कमेंट करके बताइए। ये देख सकते हैं स्टेशन का व्यू कुछ ऐसा है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्टेशन बहुत ही साफ और स्वच्छ है। ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है स्टेशन तो। और यहाँ ट्रेनें खड़ी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लोग देहरादून आ गए हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई है हमारी ट्रेन। जो पीछे खड़ी है वही है हमारी ट्रेन। तो हम लोग हरिद्वार से आए थे, तो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी वो मिलते हैं और जगह पे, तब तक बने रहिए।